लागू दो चरण को दगिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के जीवन, इन पाव तले पड़ी रहूं, दनी नजर खोलो बातूं, पलना वालू बिरखु नेत्र मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणधार सुंदर साहब जी, राज्य की लाडली सखियां, राज्य का अनंत लाड़ पीने वाली सखियां, आप सबके चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी अपने हृदय के नैनों से उन्होंने परम धाम का विचरण किया। एक एक अंग परम धाम के उनके धाम दिल में समाया और वहां की लीला भी अखंड रूप से उनके हृदय में समा गई और उस लीला को सुंदर सात को सुख पहुंचाने के वास्ते उन्होंने बयान किया। मनमोहन रसानंद सागर एक छोटी सी पुस्तिका में इसका वर्णन 4 दिन से चल रहा है। कल हम लोग सुखपाल की यात्रा करके पाट घाट के चांदनी पे पहुंचे। अब उसका बयान उन्हीं की जुबानी करते हैं कि हम सब सुंदर साथ उसका सुख पा सके। यमुना वन शोभा, या जमुना जी या तलावे, आए खेले जो मन भावे, श्री राज श्यामा जी के डेरे, सुखपाल उतारे सब मेरे, जुत जुदे जुदे बन खेले, खेल नए नए रंग रेले, तबलग खेले साथ सब, दिन घड़ी दोए पिछला जब, सैया मिलकर पीयू पासे आवे, झीलने की बात चलावे, श्री राज श्यामा जी उठकर उतारे हैं वस्त्र, पहन वस्त्र जो झीलन, राज श्यामा जी सैया सवन, इत एक घड़ी लो झीले, जल क्रीड़ा कई रंग खेले। अब ये जैसे जैसे वहां की लीलाएं हुई उसका वर्णन श्री जुगलदास जी ने अपने हृदय के नैनों से देखकर बयान कर रहे। जैसे राज्य ने अपने हुक्म से इंद्रावती को जी को दिया था, जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे। बिल्कुल वही स्थिति राज्य ने अपने हुक्म से जो कुछ बताया उसको जुगलदास जी ने अपने आत्मनयनों से देखा। उस अनंत परम धाम, नूरी परम धाम का विचरण किया और जो जो देखा वो कहते गए अपने तन वाहे तत्व को बताने के वास्ते। जो तुहे कहे हक हुकम सो तू देख महामत, ये इंद्रावती जी के लिए और इसी प्रकार से श्री जुगलदास जी के लिए, और कहो रूहन को जो तेरे तन माहे। ये हम सभी
सुंदर साथ के लिए एक सिखापन है कि जैसे किसी भी सुंदर साथ को वाणी का रस प्राप्त हो रहा है और वो सिर्फ अपने अपने में मस्त रहे, मगन रहे और दूसरों को ना दे, तो ये एक तरीके का गुनाह है। तो अब वही वर्णन जैसे जुगलदास जी ने देख कर किया, अब हम लोगों को देखना है। कोटान कोट सूर्य समान झलकार, ऐसी श्री जमुना जी की एक हीरे की दोनों पाले हैं। श्री जमुना जी 500 मंदिर चौड़ी, उसके दाएं बाएं जमुना जी की रौस 250-250 मंदिर की, और उसके दाएं बाएं दो कमर भर ऊंचे पाल, वो भी 250-250 मंदिर की चौड़ी और सातों घाट में आती है, केल के पुल से लेके बट पुल तक। तो उसकी ये दोनों पाले हीरे की, दो पाल यानी एक पूरब की तरफ एक पश्चिम की तरफ, एक अक्षरधाम की तरफ और एक अपने रंग मूल की तरफ। सो पाले हजारों कोसों चौड़ी है। हजारों कोसों के मतलब जैसे ये एक कहा जाता है कि अति विशाल, तो हजारों कोस, और जैसे वाणी में वर्णन आया है वो 250 मंदिर का है। तो 250 मंदिर यहां की गणना से अगर लेते तो वो 80,000 किलोमीटर होता है या 50,000 मील होता है। तो कहने का मात्र तात्पर्य इतना ही है कि हजारों कोस, उसकी चौड़ाई का और लंबाई का बयान नहीं किया जा सकता, बस उसकी सुंदरता सौंदर्य को आंका जा सकता है, अपने दिल में निहारा जा सकता है। तो हम सभी सुंदर साथ अपने आप को कहां उतरे हैं, हम पाट घाट के चांदनी पर। सुखपालों ने हमें जुगल स्वरूप के साथ हम 12,000 को वहां उतारा, और वो चांदनी इतनी बड़ी है जितनी बड़ी पाट, पाट को घाट। और जो यहां की गणना से 48,000 किलोमीटर लंबी और 48,000 किलोमीटर चौड़ी, जैसे मानो इस पृथ्वी की 4.5 गुना। तो सुंदर साथ ऐसी सुंदर शोभा को देखो अपने रूह के नैनों से, अब बखत हुआ देखो रूह के नैनों। घबराने का नहीं कि क्या पाट घाट की चांदनी इतनी बड़ी है कि 12,001 सुखपाल वहां उतरे और हम 12,000 सखियां जुगल स्वरूप के साथ वहां खड़े हुए और वहां से हम चारों तरफ की खूबियों को, सुंदरता को देख रहे। पूरब की तरफ मुख किया तो दाहिनी तरफ बट का पुल, बाई तरफ केल का पुल और बाई तरफ पुखराज पहाड़ की अनंत शोभा, और दाहिनी तरफ
कुंज निकुंज की शोभा, हौज कौसर चौबीस सांस महल की शोभा, बड़ो वन की शोभा। पूरब की तरफ मुख रखा तो अक्षरधाम के परे बड़ो वन मधुबन महावन की शोभा, आठ सागरों की शोभा। क्योंकि रूहों के नयन तो ऐसे होते हैं जो दसों दिशा में देखते हैं, वही चांदनी पे बैठे बैठे जुगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान हम सबको लाड़ पिलाने के वास्ते, और हम सब भी वहां कुर्सियों पे दो दो सखियां बैठी हैं, 6,000 कुर्सियां, अब वहां की शोभा को निहारते हैं। तिन दोनों पालों पर मानिंद बिजलियों के नंगन जड़ित नंग मही दरखत है। ये जो बड़ो बन के वृक्ष हैं, सुंदर सात उसकी पांच हारे हर पाल पे आई है, और 500 मंदिर के चौड़े हर वन के लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी बट, और ये 500 मंदिर के जैसे केल के वन के वृक्ष हैं, वही वृक्ष पाल के ऊपर शोभायमान होते हैं। और इसी तरीके से हर घाटों की वृक्षों की शोभा आती, हर घाट में 250 वृक्ष होते, और इस प्रकार की शोभा इस पर आती है पाल पर। तो सुंदर पांच हारे बीच पाल के शोभायमान है, तामे एक हार जो किनार की है, ताकि आधी डालियां बीच जल जमुना के झलूब रही है, लटक रही है। एक घाट के किनार की जो हार है सो 250 वृक्षों की है। इन विध से सातों घाटन के किनार किनार के जो वृक्ष हैं, सो दोनों पालों के 17.5 से 35 से दरखत भाई। सो ये दरखत कैसे हैं कि दूरी बंद बराबर है, कोई वृक्ष एक बाल बराबर घट बढ़ ऊंचा नीचे आगे पीछे नहीं है। मूल पेड़ डाल फल फूल पाप दोरी बंद बराबर है, और आपस में ज्योति से ज्योति नंग करत है, नूर से भरे हुए हैं। मूल की ज्योति मूल से, पेड़ की पेड़ से, डाल की डाल से, फल की फल से, फूल की फूल से, पात की पात से, नूर ज्योति की जंग हो रही है, मानो माहो माहे करें जंग। सुंदर साथ, जब आप पाट घाट की चांदनी में खड़े तो दोनों पालों के पे जो वृक्ष हैं उसका मूल तना डालियां फल फूल पात सबके नूर वस्तुतः राज्य के दिल के स्वरूप है, सब आत्माएं। तो घड़नालों की शोभा नूर, केल का पुल वो भी एक हीरे का है बिना संत के, 1100 हिंडोले पांच भूम पे घूम रहे, ऐसे ही दोनों पालों पर, और इधर बटका पुल, और
ये बटका पुल, केलका पुल और दोनों पालों के वृक्षों की पांच भौम छठी चांदनी है, सब एक दूसरे से मिलती हुई। और जब मैं पाट घाट की चांदनी से धनी के साथ बैठकर निहार रही, तो नूर ही नूर, धनी मानो जुगल स्वरूप होए के मात्र हमारी विस्मित मुखार बिंदों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। वो ये बता रहे हैं बिना बताए कि ये सब मेरे दिल का नूर स्वरूप है, अनंत गुणों के साथ इसके अंदर प्रेम की लहरें हैं, आनंद है, शीतलता है, कोमलता है, चैतन्यता है, सुगंध है, और ये सब मेरे दिल का स्वरूप है। और मैं अपने दिल के केंद्र बिंदु पर बैठा हूं अपने आत्म दुल्हन के साथ, और तुम सब बैठी हो और सब वहां के नूर को का रस पी रही हो, लेकिन अभी मालूम नहीं है कि तुम मेरे दिल में ही बैठकर उस सब का नजारा, उस नूर के जंगों का नजारा ले रही। अत्यंत मंद मंद सुगंधित पवन वायु हम सबको अपना शीतल स्पर्श दे रही है, तो वो वायु भी मेरे दिल का ही अंग है, मेरा दिल ही तुम्हें स्पर्श दे रहा है। जोकर नंगन की मोहलातों में झंझरी झरोखे मेहराब खंड होते हैं, इनविद से इन पांचों हारों के सहित झंझरी झरोखा मेहराबों के ऊपरा ऊपर पांच खंड है, और उसमें सुंदर हिंडोले। सो ऐसा भासत है जैसे श्री जमुना जी के दोनों तरफ दोनों पालों पर नंगों की मोहलात नंगन जड़ित पांच खंड की बनाई होगी। मध्य से श्री जमुना जी का जल दूध से उज्ज्वल, मिश्री से मीठा, आसमान लो रोशन बहता चला जाता है। केल के पुल के मध्य से बटके पुल के मध्य तक 9 लाख कोस, और जब केल पुल के नीचे 10 घड़नालों से पुखराज के तरेटी से 4 धार 16 धार होते हुए प्रकट होती जमुना जी मरोर खाए के उत्तर से दक्षिण की ओर पाल केल के पुल के नीचे घड़नालों से प्रकट होती है, तो उसका जल की लहरें सीधा आसमान को छूती है और हमको चांदनी पर भिगो देती है। मानो ये पूरा हमारा स्वरूप धनी के साथ उन जल के लहरों के साथ एक रस हो गया और आसमान को छूते हमें वापस चांदनी पे बिठा देता। श्री जमुना जी अत्यंत मीठी सुंदर सुहावनी संगीत से भरी गर्जना करती, वहां के बादलों की संगीत कहलाता है गर्जना, लेकिन इतना मधुर संगीतमय ध्वनि होती है जो परम धाम में हर घड़ी हर पल अनंत बाजंत्रों के साथ आलाप के साथ महीन महीन हल्की हल्की गूंज रही होती है।
ऐसे ही जमुना जी का जल जब प्रवाहित होता है तो एक गर्जना है, वो भी संगीत है, धाम धनी के दिल में विराजमान हम रूहों को सुख पिलाने के वास्ते जो लाड़ है, वो संगीत के रूप में प्रकट होकर अपनी लीला से हमें जल से भिगो रही। अनंत कोट शोभा सिंगार छबे रखती है और सातों घाटों के दोनों तरफ दो फूल जो शोभाए मान है तिन पर पांच खंड की औलाद। विचारों सुंदर साथ हमारी सुरता जब केल पुल के मोहलों में पहुंचते हर भूम पे 220 हिंडोले हमें देख के इतने उमंग से भर जाते हैं कि वो बिना कुछ किए खींचने लगते और इतने विशाल हिंडोले सुंदर सेजिया से सजे जुगल स्वरूप के साथ हम 12,000 सखियां हर हिंडोले पर पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर ऐसे हिंडोले झूल रहे हैं और हर हिंडोले पे मानो हम अपने प्रीतम के साथ पौढ़ने का सुख ले रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं और इसी प्रकार से हर भूम पे हमारी किलकारी की आवाज हमारे कानों के द्वारा हृदय में पहुंच रहे हैं। सातों घाटों के मध्य में श्री जमुना जी के ऊपर 150 मंदिर की लंबी चौड़ी एक पाट है, जिस पर 12 थंब है, ऊपर चारों तरफ चांदनी है और चारों तरफ के पाल से सीढ़ियां उतरी सो अत्यंत महाशोभायमान है। नीले पीले लाल सेत श्याम कई रंगों के कमल दल फूले फूले और हंस मैना चकोर कोयली कई विध की चोहो चांद चकोसर कर रहे ध्वनि कर रहे। ऐसा तमाशा देख के श्री राज श्री ठकुरानी जी ने सखियों को खेलने की आज्ञा दी। संपूर्ण सखी संग श्री राज के आनंद लीला करने लगी। अब वन विलास धनी की आज्ञा और वन विलास कैसो है कि अपनी सुरता से अपने दिल के नैनों में ग्रहण करके दिल के अंदर बसा ले। अब को सखी श्री राज के आगे नाच करती है, को बड़े उछरंग उमंग से गान करती है, को सखी अनेक विधसों बाजे बजावती है, को सखी आगे श्री राज के आय के कई विध की नकल ल्यावती है, को सखी सामे श्री राज के खड़े होकर एक टक हेरती है, अपने नैनों से नैना मिलाए कर मूक प्रेम की सैन होती है, इशारा होता है। को सखी श्री राज को बीड़ा ऊपर बीड़ा के देती है, कोई सखी पीक दानी लिए खड़ी है, कोई सखी ऊपर श्री राज के छत्र ताने है, को सखी श्री राज के बस्तर लिए, को सखी भूखन लिए है, को सखी पंडब्बे लिए है, कोई सखी श्री राज के अतर दान लिए, कोई सखी श्री राज के छड़िया लिए है, को सखी वृक्षण पर चढ़ी, कौ सखी देहुरियों के कलशन के आसपास फिरती है, हर देहुरी पे कलश है उसके आसपास सखियां फिरती है, कौ सखी जल के रौस पर दौड़ती फिरती है, कौ सखी मोरों को नचावती है, कौ बंदरों को नचावती है, कौ बंदरों को गुलाटियां खवावती है,
को मानिंद बंदरों के आप ही गुलाटियां खाती हैं, को सखी झुंड मृग कस्तूरियों के मोहित करके पीछे लगाए फिरती, कोई सखी मोहन बाजे बजाए के सर्पों को वजूद से लिपटाए फिरती है और पीछे अनेक दौड़ावती है, कोई सखी कूदती है, कोई सखी फांदती है, कोई सखी दौड़ती है, कोई सखी चढ़ती है, कोई सखी उतरती है, कोई सखी पंखियों की गतें भरती, कोई सखी पंखियों की बोली बोलती है, कोई सखी श्रीराज को हाथ पकड़े है, कोई सखी श्रीराज सो एकांत बात करती है, कोई सखी ऊपर श्रीराज के फूल बरसावती है, को सखी श्रीराज के मुकुट बांधती, को सखी छत्री हाथ में देती और दर्पण नूर का दिखावती है, कोई सखी नवल सिंगार करके आती है और मुकुट में ही अपना सिंगार देखती, को सखी प्यू नैनो नैन मिलावती है और बीच पुतली हक के स्वरूप अपना निहारती है, कौ सखी हक से गलवैया लेती है, श्रीराज भी 12,000 रूप धर के लीला करत है, काहू सखी से एकांत में बात करत है, काहू सखी से गलवैया डाल के बैठे है, काहू सखी से गलवैया लिए फिरते हैं, काहू सखी के संग गाते हैं, काहू सखी के संग बजाते हैं, काहू नाचते हैं, काहू कूदते हैं, कहूं फांसते हैं, कहूं पोइयों चलाते हैं, कहूं मानिंद तुरंगों के आपा पाछा नाक के एकदम धावते हैं, काहू सखी के संग झरोखे बैठे हैं, काहू सखी के पाछे पाछे ऊपर छाजों के फिरते हैं, काहू रहस्य रमन करते हैं, रहस्य से भरे हुए, काहू सखी के साथ फुंदड़ी फिरते हैं, काहू सखी के साथ डालो डालो फिरते हैं, काहू सखी को अधूरा मृत पीते हैं, काहू सखी को अंक भर लेते हैं, काहू साथ मासूक के ऊपर जहाजों सतसों पर बैठते हैं, काहू सखी को कंठ भर लेते हैं, काहू को सैन इशारतें देते हैं, काहू को नैनो नैन मिलावते हैं, काहू को अंग से अंग लगावते हैं, काहू को तरफ मुस्कियावते हैं, काहू को वस्त्र पहनावते हैं, काहू को भूखन पहनावते हैं, काहू के नैनो अंजन आंजते हैं, काहू की पटिया पारते हैं और बेनी चोटी संभारते हैं, कहूं घोड़े पर चढ़ते हैं, घोड़े को नचाते हैं और कुदाते हैं, कहूं सामी धाक देते हैं, पीछे 12,000 घोड़े रूहें दौड़ाती हैं, कहूं हक कोड़ा फेरते हैं, पीछे श्यामा अपने घोड़े को कोड़ा लगाती है, फूलों से भी कोमल मानो घोड़ों के पीठ पर अपने दिल की कोमलता फूलों में डालकर कोड़ा लगाती है, उनको सहलाती है और घोड़े उस स्पर्श से इतने उमंग से भर जाते हैं कि वो जिमी से लेके आसमान तक दौड़ने लग जाते हैं, माफिक हक घोड़े के घोड़ा अपना फेरती, श्यामा के घोड़े के पीछे 12,000 रूहें अपने घोड़े फेरती, कदी हक हादी रूहें हाथियों के सवार होते हैं और वन वन बगीचों बगीचों सैर करते फिरते हैं, कदी अनंत कोट जवेरों की पुतलियों का ऊपर पाल के अनंत कोट मोहल मंदिर गढ़ कोट बनाते हैं, तिन में हक हादी रूहें कई कोट विद से खेलते हैं, ऐसी
सुंदर लीला विलास धाम धनी के साथ। और यहां पर भी धाम धनी 12,000 स्वरूप धर के हर रूह के साथ ऐसा दिल में लेते हैं कि राज्य भी 12,000 घोड़ों को दौड़ा रहे, श्यामा जी दौड़ा रही हैं तो 12,000 सखियां भी दौड़ा रही। दिल करे तो राज्य के साथ घोड़े पर विराजमान हो जाए और जिमी से लेकर बड़ी रांग के ऊपर आसमान लो घोड़े उड़ाते उड़ाते 25 पक्षों का नजारा लेते लेते घोड़े के साथ जमुना जी की रौस पर आकड़ गए। पाल में हाट प्रदर्शन अब कदी ऊपर पाल के अनंत खूब खुशालियों का हक हादी रूहें कई विध के बाजार रचते, तिन में कई विध के चौखुटे चौहटे रखे हैं, तिन चौक चौहटों के मध्य में कई विध के बाजार लगे, तिन बाजारों में कई खूब खुशालियां कई विध के मेवा लिए बैठी हैं और कई खड़ी है। ये राज्य ने अनंत बाजार और मेवा मिठाई जो सजा रखा है वो अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत रस का और अनंत रंग का प्रकटीकरण है। बाजार इतने रंगों से, नूर के रंगों से सुसज्जित हैं, सुशोभित हैं और तरह तरह के बासनों में मिठाइयां मेवे सब भरे हैं। अब धाम धनी के दिल में इतना लाड़ है रूहों के प्रति कि वो जैसे उन्होंने एक बाजार अपने दिल में सजा रखा है रंगों और रस से भरे हुए वासनों में मिठाइयां, और हम सबको आवाहन कर रहे हैं आओ मेरी प्यारी अंगना मेरे दिल के अंदर बैठकर इश्क से के रस से मीठी मीठी मिठाइयों को का पान कर और अनंत रंगों से सुसज्जित मेरे दिल के नूर को पियो। श्री राज ठकुराणी जी सुंदर सार्थ के नूर जमाल में सरमस्त और सरसार है, नूर जमाल जो उनका दिल है। दीदार ही में अनंत आनंद लूटती हैं और जुदे जुदे बाजारों में जुदी जुदी जिनस लिए बैठी हैं और हक हादी रूहों की इंतजार में है। हक संपूर्ण बाजारों में श्री श्यामा जी के गले में गलबैया डाले फिरते हैं और संपूर्ण सखी आपस में गलबैया डाले गली गली गावती फिरती हैं। हरेक बाजारों का जुदा जुदा सुख लेती हैं और हरेक खूबी खुशालियों को कई विध के सुख देती फिरती। कदी हक हादी रूहे ऊपर सिंहों के बैठते हैं और सिंहों को दौड़ाते कुदाते लड़ाते हैं, कदी शेर तेंदुआ चीतों पे सवार होते हैं और दौड़ाते कुदाते लड़ाते हैं, कदी हंस गरुड़ मोर हक हादी रूहों के ऊपर पीठ अपनी के सवार किए हुए अंतरिक्ष में उड़ते हैं, आसमान का चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये अनंत शोभा का दृश्य है। हम ब्रह्म सृष्टियां परम धाम को
धनी के दिल रूपी आसमान ने घेर रखा है और यमुना जी के घाट पर जब हम उतर के लीला विलास करते हैं तो धाम धनी श्यामा जी और 12,000 रूहों को लेकर अंतरिक्ष यानी आसमान के अंदर प्रवेश कर उसके एक एक अंग को के नूरी अंग का दीदार करते हैं, स्पर्श करते हैं, मानो अपने दिल को के रंग और रस को का पान करा रहे हैं। कभी एक वृक्ष से ऊपर दूसरे वृक्ष को जाते हैं और उड़के ऊपर कलशों के बैठते हैं, कभी कलशों से उड़के ऊपर दूसरे कलश के जाते हैं और हक आदि रूहें ऊपर पीठ के सवार हैं। हंस गरुड़ मोर महा आनंद में मग्न है और पीठ अपनी से उतारना हक आदि रूहों का नहीं चाहते। हक आदि रूहों को ऊपर पीठ अपनी के लिए हुए नाच करते फिरते। जो कुछ जमुना जी के इर्द गिर्द हो रहा है वो सभी उड़ के आसमान पे पहुंच जाते हैं, मानो इस पृथ्वी के ब्रह्मांड में अनंत निहारिकाएं, अनंत तारे सुशोभित हो रहे हैं। वैसे ही हम सब सखियां अनंत पशु पक्षियों के साथ, खूब खुशालियों के साथ, जवेरों की पुतलियों के साथ वहां से उड़कर आसमान में समाते हैं और वहां से नूरी वर्षा करते हैं जो पूरे जमुना जी के इर्द गिर्द जो हमारी अपने स्वरूप है उन दोनों अरस परस एक। जब जोन तरफ जाते हैं तब इसी नूर से और उसी गति से जाते हैं और माफिक पार ब्रह्म के दबदबा दिखाते हैं और कदी तरफ हौज कौसर के जाते हैं तहां भी अनंत कोट नए नए खेल करते हैं। इस प्रकार पाल और रौस और हजारन वृक्ष पाल ऊपर के कोटान कोट खूब खुशालियों से और अनंत कोट जवेरों की पुतलियों से भराए रहते हैं। 12,000 तो कहते हैं लेकिन इतने तारे स्वरूप हैं कि उसकी गिनती नहीं हो सकती। आत्माएं अनंत हैं और नूर रूप में जगमगा रहे हैं और मानिंद कोटान कोट लश्करों के शोर होता है। मानिंद कोटान कोट शहरों के और मानिंद कोटान कोट फौजों के शोर सराबा गुल चौहों चांद होता है और संपूर्ण हौज कौसर कई विध के आनंदों से और कई विध की हुस्न खूबी शोभा से भराए रहते। मध्य में किशोर किशोरी और गृद्वाय रूहों की जोड़ी शोभायमान है और अनंत कोट भोजन से भरे हुए हैं। अनंत कोट मौजे करत है जल यात्रा। अब कबहू हक हादी रूहे जहाज पर बैठत है और कबहू छोटे छोटे सतेसों पर जुदे जुदे बैठत है और हक हादी रूहे संपूर्ण हौज कौसर में दौड़ावत फिरत है और टापू को परिक्रमा देत फिरत है। कबहू 12,000 एक ही जहाज पर बैठत है, नवरंग बाई निरत करत है और जहाज टापू को चलाते हैं। संपूर्ण जल के जानवर आस पास जहाज के चले जाते हैं। कबहू जल के जानवरों पर सवारी होता है
कोई सखी कई रंग के मगरों पर मगर मच्छों पर बैठी है, कोई सखी कई रंग के मच्छों पर बैठी है, कोई सखी कई रंग के सर्पों पर बैठी है, कोई सखी जल पंछी पर बैठी है, कोई सखी बत्तखों पर बैठी है, कोई सखी जल मानसों पर बैठी है, कोई सखी पनडुब्बियों पर बैठी है, और भी कई जानवरों पर सवारी करके हक हादी रूहे कई विध से रिछावते दौड़ावत है लड़ावत है और टापू को परिक्रमा करते हैं। जैसे बड़ी राम सर्वरस सागर के त्रिपोलीय मोहन मंदिर से निकलकर भीतरी परिक्रमा को पार कर बोमभर की सीढ़ियां उतरकर वनों को पार कर जहां अत्यंत विशाल सागर का किनारा आता है, जब मैं खड़ी होती तो एक इतना विशाल मगरमच्छ जिसकी पीठ अनंत कोमल नगों से जड़ी जगमगाती है, जहां से अनंत रंगों का प्रकाश फैलता है और वो आवाहन करके मेरी आत्मा को अपनी पीठ पर बिठाकर अति वेग से सागर के मध्य में टापू मोहल के चारों तरफ दौड़ाती और सागर का वो जल मुझे पूरी तरह से झिला रहा होता है। सर्व रस सागर के अनंत रस अनंत रंग ऐसे राज्य का सुंदर मगरमच्छ का स्वरूप हमें इतना लाड़ पिलाता है अपने सर्व रस कृपा के सागर में, मेहर के सागर में, जिसका बयान मेरी आत्मा कर नहीं पा रही। चारों तरफ कोटान कोट खूब खुशालियां और जवेरों की पुतलियां और अनंत कोट पशु पक्षी भराए रहे हैं, सो श्री राज ठकुरानी जी को तमाशा दिखाते हैं। श्री राज ठकुरानी जी ये तमाशा बड़े लाड़ से देखते हैं और आनंद कलोले करते हैं। कबहू ऊपर चांदनी के पधारत हैं और चांदनी की किनार पर कमर भर ऊंची जो दीवाल है, तिस दीवाल में एक कुर्सी की चौतरिया गृद फिर आई टापू मोहल। ऊपर लाल कांगरी मानिक की है, तिस दीवाल के माहे 12,000 कुर्सियां हैं, तिन कुर्सियों पर सखियां बैठी हैं, अनंत कोट मौजे और मजा मारती हैं, बेहद सुख लूटती हैं और दसहूं दिस का तमाशा वहीं बैठे बैठे देख ली। इस प्रकार ऊपर आसमान के श्री राज श्री ठकुरानी जी समस्त साथ के तेज ज्योति का दरिया लहराता और तले जल में श्री राज श्री ठकुरानी जी सुंदर साथ छिल मिलाते हैं, टापू और पाल के बीच में हौज कौसर मौजे लेते हैं, दूध से उज्जवल मिश्री से मीठे जल की रोशनी में आसमान में मंडल बांधो है। ऊपर टापू चांदनी के विराजमान जो हक हादी हुए हैं, सो टापू की चांदनी से एक ज्योति को थंब चलो, सो आसमान में जाए लगो। बीच इस ज्योति थंके अनंत कोट शोभा है और बीच इसके अनंत कोट तमाशे हैं। अनंत कोट रंगों की जुदी जुदी लहरें उठती हैं और ज्योतिन थंब को घेर के ज्योति जल को सफेद फिर बला है, तिन सफेद नूर जल को घेर के पाल पर जो अनंत रंग के बन है, सो अनंत कोट रंगों की ज्योति का कोट पता है। चौरस पाल
तिन सफेद नूर जल को घेर के पाल पर जो अनंत रंग के बन है सो अनंत कण कोट रंगों की ज्योति का कोट बंधा है ये तीनहू शोभा आसमान में रोशन है और पाल के तले अनंत कोट हाथी अनंत कोट घोड़े सिंगार किए हुए इंतजार में खड़े हैं वास्ते दीदार के घूमत झूमत नाचत कूदत हैं और आवाज मीठो बोलत हैं अनंत कोट सिंगार किए हुए अनंत कोट रत हस्तियों के खड़े हैं रथ अनंत कोट रथ जुगल हस्तियों के और अनंत कोट रथ एक एक हस्तियों के हैं अनंत कोट रथ जुगल तुरंगों के हैं और अनंत कोट रथ एक एक तुरंगों के और अनंत कोट रथ बैल बकरे मृग मेड़े रीछ रीझों के अनंत कोट रथ सिंह बाघ तेंदुआ चीतों के और अनंत कोट सवारी बड़े बड़े जानवरों की एक हरी सो पशु पंखी रजाई मासूक के एक एक सेवा जाहिर और अनंत कोट सेवा बातून करत है पुखराज पर्वत पे आरोहण अब जब कबहू हक हादी रूहे तरफ पुखराज के पधारत हैं पश्चिम की घाटी होके पुखराज की चांदनी पर चढ़त जिमी से 6 लाख कोस को चढ़ाव है सीढ़ियों के अंत पे एक दरवाजा है 400 कोस तिस दरवाजे के पहली तरफ चांदनी है और एली तरफ अनंत कोट सीढ़ियां है सो अनंत कोट सीढ़ी अनंत कोट रंग की है सो अनंत कोट दिवाले अनंत कोट रंगों की आगे सन्मुख परी है तिनको मझियाए के चांदनी पर जाते अनंत कोट भौजे पशु पंखियों की अनंत कोट फौजें खूबी खुशाली और जवेरों की पुतलियों की संग है सो मानिंद अनंत कोट लस्कारों के मेला हुआ है अनंत कोट पुतलियां नाचती हैं और अनंत खूब खुशालियां गावती और बाजे अनंत रंग के बजावती कोटान कोट सहर लश्कर जवेरों की पुतलियों की और खूबी खूब खुशालियों के हैं कोटान कोट सहर लश्कर पशु पंखियों के हैं सो जहां श्री राज ठकुरानी जी जाते हैं तहां अनंत कोट लश्कर सहर से बस जाते हैं अनंत कोट सोर चोहो चांद होते हैं और आगू हक हादी रूहों के अनंत कोट तमाशे होते हैं और कदी श्री राज ठकुरानी जी समस्त सुंदर सात को लेके तरफ पश्चिम की ओर पधारते हैं श्री ठकुरानी जी सुंदर सात सहित प्राण आधार को लेके हस्तियों पर चढ़ते हैं तब अनंत शोभा और सुख सबही को होते हैं श्री जुगल किशोर हस्ती पर विराजत हैं और साथ सब हस्तियों पर विराजते हैं खूब खुशालियां ऊपर मस्तकों के बैठी हैं और किलाएं बैठ के हस्तियों को कूलती हैं और हक हादी रूहे बीच हौदा के बैठत है और आगे पीछे अनंत कोट फौजें चली जाती अनंत कोट बाजे बजाती चली जाती अनंत कोट हाथी झूमते झूमते चले जाते हैं अनंत कोट किशोर घोड़े नाचते कूदते चले जाते अनंत कोट खूब खुशालियां और जवेरन की पुतलियां नाचती गावती हैं और बजावती चली जाती
अनंत फौजों में अनंत कोट रंगों के ध्वजा फहरावत हैं, अनंत कोट निशान अनंत रंगों के और अनंत कोट फौजें अक्षरातीत की नूर की चली जाती। फौज जो अक्षरातीत की चली जाती है ताकि दाएं बाएं अनंत कोट फौजें खूब खुशालियों की और चवेरों की पुतलियों के वास्ते सेजदे के खड़े। अनंत कोट फौज पशु पंखियों के वास्ते सेजदे के खड़े हैं, सो लाखों कोस एक एक सब खड़ी है, जिन जिन के आगे सवारी अक्षरातीत की पहुंचत है, सो सेजदा अक्षरातीत को बजाउत जाते और अक्षरातीत भरतार सबही को मेहर नजर की कटाक्षों से भेजावत जाते। इन विध से बीच मैदान के पश्चिम के जाते धाम धनी अक्षरातीत अपने दिल के अनंत नूर की किरणें लहरें तरंगों की ये अद्भुत लीला जिमी से आसमान के बीच में कराते। सुंदर साथ जी ऐसी सुंदर लीला विलास धनी के साथ अपने दिल में भराए के और अपने उस अनंत लीला विलास को के रस को दिल में पीते पीते अपनी सुरता अपनी आत्म श्री कुम्मर जी श्री सुंदर परनाम में विराजमान अक्षरातीत के आवेश स्वरूप के दिल में विराजते और उनके हुक्म से इस ब्रह्मांड में अब इल्म की लीला का रस भरावते और उस रस में हम सब सुंदर साथ डूबे लहराए। प्रणाम।